लिविंग एरिया मेकओवर की हैं और इस वीडियो में आपको एक्सट्रीम चेंज देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है फ्रेंड्स, काफ़ी हार्डवर्क किया है और इससे मैंने अपने लिविंग एरिया को मैंने जो चेंजेस देने के लिए मैंने काफ़ी जो इस बार कलर थीम लिया है, मैंने वो तीन चार कलर थीम लेके चली हूँ मैं। और इसमें कुछ मैंने इसी टाइप के कुछ कॉन्ट्रास्ट रखे हैं, येलो मस्टर्ड रखा है, मस्टर्ड येलो मैंने रखा है और ब्लू पिंक, कुछ इस तरह का मैंने थीम लेके मैं चली हूँ और कुछ इस टाइप का आपको लिविंग एरिया मेरा देखने को मिलेगा कुछ इसी कलर से। और इससे मैंने कुछ अपनी पुरानी जो चीज़ें थी उनको मैंने मेकओवर देने के लिए मैंने पेंट किया है, उनको कुछ नया लुक दिया है मैंने उनको और स्टिचिंग का वर्क किया है मैंने। इसमें सारे कुशन जो है वो मैंने खुद स्टिच किए हैं फ्रेंड्स और इसमें कलर थीम जो है वो मैंने इन तीन चार चीज़ों की रखी है ताकि पॉपअप हो सके लिविंग एरिया मेरा। और मैंने सारे काफ़ी कुछ चेंज करके मैं ये मेकओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स और आई होप आपको पसंद आएगा। और जिस तरह से मैंने अपने लिविंग एरिया का मेकओवर चेंज किया है और मैंने इसके लिए मैंने हार्डवर्क किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा लिविंग रूम जो मेकओवर से पहले है, तो कुछ इस टाइप का मेरा अभी लिविंग रूम नज़र आ रहा है आपको। और ये इतना अभी स्पेशियस तो नहीं है मेरा लिविंग एरिया, बिकॉज यहाँ पे हमने लिविंग एरिया बड़ा था, इसमें किचन निकाल लिया हमने, बिकॉज जहाँ पुराना जो किचन था वहाँ पे सारे टर्माइट्स लग गई थी तो हमें इसी में किचन निकालना पड़ा। तो फ्रेंड्स वो था मेरा लिविंग एरिया। और अब है डे वन जहाँ मैंने सबसे पहले अपने मेकओवर के लिए मैं फैब्रिक सेलेक्ट करने गई थी, तो यहाँ मेरे पास में हमारे घर के पास में शोरूम है एक, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ पे जिस तरह से डी डेकोर का होता है उस तरह से जेम के थे, जेम ब्रांड के जो कपड़े थे ये मैंने परचेज किए, ऑर्डर दिया सबसे पहले। और अब है डे टू, तो अब मैं जो मेरे पास एक पुरानी ट्रे रखी हुई थी उसका मेकओवर करूंगी, मैं उसको पेंट करूंगी। और एक ट्रे है और एक ये बॉटल है, इसका मुझे मेकओवर करना था। और एक मेरे पास वास पड़ा हुआ था, तो ये पुराना ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का वास था, तो इसे भी मैं पेंट कर रही हूँ। और पेंट करने के लिए सबसे पहले ये डार्क ब्राउन है तो मैं सीधा जो मुझे येलो कलर चाहिए मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज ये बहुत डार्क कलर है, तो इसके लिए मुझे पहले व्हाइट एक्रिलिक करना पड़ा, फिर उसके बाद मैं येलो कलर कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने फ्रेंड्स एक्रिलिक कलर यूज़ किए हैं, सारे एक्रिलिक कलर हैं यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद येलो कलर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद जो डिज़ाइन मुझे देना है फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पे टेप ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने जैसे जैसे हम जो कलर हमें चाहिए जिस टाइप से हम डिज़ाइन करेंगे तो उस पर हम मास्किंग टेप लगाते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी डिस्टेंस पे चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप मास्किंग टेप लगाएंगे ना तो उसी तरह डिजाइन बनते चले जाएंगे, जो मास्किंग टेप है वहां छोड़ के और दूसरी तरफ हमें कलर करना है तो इसी तरह से उस पर वो कलर आ जाएगा और जो हमें चाहिए होगा वो सारे वो डिजाइन आ जाएगा उस टाइप से। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा यहाँ पे कि क्यों ना कुछ घर में जो हमारी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं उन्हीं का मेकओवर करके उनको न्यू ट्रेंड वाला हम बना दें उसे, ताकि वो यूज हो जाए मेरे मेकओवर में। तो सारी चीजें जरूरी नहीं कि हम सारे कुछ खरीदे परचेज करें, तो कुछ हम अगर पुरानी चीजों को हम मेकओवर करके नया बना सकते हैं तो हम उसे बना सकते हैं, तो हमें बनानी चाहिए वो चीजें, हमें करनी चाहिए जिससे हमें न्यू लुक दे सके हम उसका मेकओवर करके, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जब ये कम्प्लीट हो जाए तो हम मास्किंग टेप निकाल लेंगे तो इससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, जब मास्किंग टेप निकाल के देखेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी उसमें जो हमने कलर किया हुआ है। और अब इस वास को और सुंदर दिखने के लिए मैंने जो कलर किया है इसमें उसको मैं और एक टोन लाइट लेके चलूंगी, तो जो मैंने ब्लू किया है उसमें व्हाइट मिला के मैं एक टोन लाइट कर रही हूँ, तो हर शेड को मैं लाइट करते हुए एक एक शेड उसका साथ में करती चलूंगी, तो इससे क्या होगा इससे और पॉपअप हो जाएगा अच्छे से, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा वास, बहुत सुंदर लगेगा। और अब यहाँ ले रही हूँ ट्रे को भी मुझे येलो कलर करना था अपने थीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ये सेंटर टेबल पे इसको मेरे को डेकोरेट करनी है, तो इसको भी मैं पहले व्हाइट से कर रही हूँ, व्हाइट एक्रेलिक से, और फिर उसके बाद देन येलो में करूंगी इसमें।
और अब मैं बॉटल में डिज़ाइन करने के लिए मुझे येलो कलर करना था, जो मैंने बॉटल का कंट्रास्ट मैंने चूज़ किया हुआ था, और उसके बाद बीच में मुझे वाइट चाहिए था, और उसके बाद मुझे बुद्धा जी का मुझे एक फेस बनाना है इसमें, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और इसमें भी मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किए हैं, मैंने सारे जो ब्लू वाइट येलो हैं ये सारे एक्रिलिक कलर हैं। तो इस तरह से मुझे कुछ डिजाइन चाहिए था, बुद्धा जी का फेस चाहिए था जैसा ये बना है। और अब इन सब पे मैं कर रही हूँ वार्निश ताकि शाइन आ जाए और कलर स्ट्रांग हो जाए इसका। तो इस तरह से ये तीन DIY मेरी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगला DIY है हमारा स्टिचिंग वर्क। अब मैं स्टिचिंग पे आ जाती हूँ। तो ये है जो सोफे के लिए मैंने लूज कवर लिए हैं, ये वो हैं। तो यहाँ पे अब मेजरमेंट करके इसको हमें कट करना है, कटिंग करनी है कपड़े को, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टिचिंग करूंगी। और कटिंग करने के बाद, बिकॉज ये लूज कवर है तो जैसे ये कटिंग हो जाएंगे तो उसके बाद हमें साइड से इनको सेम इनके सिलाई लगानी होगी साइड साइड से। और जहां कन्नी आ रही होगी ना वहां पे मैं सिलाई नहीं करूंगी, और जहां कन्नी नहीं आई होगी तो मैं वहां पे सिलाई कर दूंगी। और अब मुझे जो सोफे की मैं कवर बना रही लूज कवर, उसमें लगाने है मुझे टैसल। तो ये मैंने वुलन लिया है, तो इस येलो मस्टर्ड वाला जो येलो है उसमें, उससे मैं अपने यहाँ टैसल बना रही हूँ। तो ये इस तरह से मैं सारे टैसल बना लिए हैं। और कुछ इस तरह से मैं डिस्टेंस छोड़ के इसको स्टिच करूंगी। इसी तरीके से मैंने सारे सोफे कवर में इसी तरह से सारे टैसल लगा लिए हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट DIY में। तो ये है एक मेरा रग जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था, तो ये मेरा वहां बेडरूम में यूज हो रहा था। अब मुझे, बिकॉज मुझे अब अपने इंटीरियर, उसके लिए लिविंग रूम के इंटीरियर के लिए चाहिए, तो मैचिंग का मुझे चाहिए था, क्योंकि जो मेरा कलर थीम है वो येलो है तो उसके लिए चाहिए था। तो मुझे, मैंने सोचा क्यों ना इस पुराने ही रग को यूज किया जाए। तो यहाँ मैं एक्रेलिक का ही येलो कलर, जहां जहां व्हाइट है वहां पे मैं येलो कलर कर रही हूँ। बिकॉज काम बहुत ज्यादा था इस रग में तो मैंने थोड़ी बेटे की हेल्प ली, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मेकओवर को थोड़ा बजट फ्रेंडली रखा जाए। और इसी तरीके से अपने मेकओवर को लेके, उसको बजट फ्रेंडली रखकर, उसको बजट फ्रेंडली सोच के, तो इसी तरह से मैं अपने आगे जो मेरे ये फ्रेम है, फोटो फ्रेम जो है, इन्हीं को मैं अपना कुछ DIY दे के इसको मैं अपने मेकओवर में वहां पे इंटीरियर में यूज करने के लिए इनको बना रही हूँ। तो कुछ मैं कोट्स लिख रही हूँ इसमें, कुछ डिजाइन दे रही हूँ, तो इसी तरीके से इनको तैयार करूंगी मैं। Thank you.
और ये हो गए हैं सारे रेडी। और ये वाला DIY भी हो गया कंप्लीट, और अब नेक्स्ट DIY में चलते हैं। तो ये है मेरा नेक्स्ट DIY बुद्धा जी की, जो ये एक स्टैचू है, ये पुरानी हो चुकी है अब, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको फिर से पेंट करूँ। और मैंने कुछ पिंटरेस्ट से मैंने डिज़ाइन देखे थे बुद्धा जी के, तो मुझे ये वाले पसंद आए ब्लू और वाइट में, तो कुछ इस टाइप से मैं ही इनको करूँगी पेंट, और वो भी एक्रेलिक कलर से। और फ्रेंड्स, आप ना काफ़ी चीज़ें जो हैं आप पिंटरेस्ट में आप सर्च कर सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है पिंटरेस्ट से। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन दिए होते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको इंटीरियर में और कलर चॉइस में और डिज़ाइन में और जो भी नया ट्रेंड है वो सब उसमें काफ़ी कुछ होता है उसमें, तो पिंटरेस्ट से बहुत हेल्प हो जाती है। तो आप अभी कुछ आपको चाहिए होता है ना, तो आप ज़रूर उसमें जाके ना पिंटरेस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। और अब जो है बुद्धा जी का जो आउटफिट है उस पर मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, और जो शेड है उनका तो उसमें मैं व्हाइट कलर करते हुए ना टच करते हुए इनको शेड दूंगी। और कंप्लीट होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिख रहे थे, इस तरह से इनका पूरा लुक आया है कलर करने के बाद। और अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाती हूँ, और यहाँ मैं सिल रही हूँ सारे कुशन कवर स्टिच कर रही हूँ सारे। और अब एक और DIY, तो यहाँ मैंने लिए एम्ब्रॉयडर रिंग और हॉट गन ग्लू, और ये लिए हैं मैंने कुछ मैक्रन वाले थ्रेड, तो इसी से मैं अगला DIY बना रही हूँ। और वो भी मैं पिंटरेस्ट से मैंने देखा था, तो पिंटरेस्ट से मैंने ही चूज किया है वो डिजाइन, तो कुछ इस टाइप का डिजाइन था। इसमें चार रिंग है बट मेरे पास तीन है, तो मैं तीन से ही बना रही हूँ, बट चार होते तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सुंदर लगता, बट कोई बात नहीं, मेरे पास तीन है तो मैं तीन से ही ये डिजाइन कंप्लीट करूंगी। और ये मैंने अमेजन से लिया था बैम्बू लैम्प शेड, बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहा था ये, तो ये मैंने एक लिया है। तो अब यहाँ सबसे पहले शुरू कर रही हूँ मैं यहाँ पे वॉल शेल्फ लगाने से, बिकॉज ड्रिलिंग होगी यहाँ पे तो मिट्टी गिरेगी, तो कर्टन पहले चेंज नहीं कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इसी से काम स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ का। और अब चेंज कर रही हूँ यहाँ के सारे कर्टन। और यहाँ जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी फ्रेंड्स, तो तब तक मैं इलेक्ट्रिशियन को मैं दो बार कॉल कर चुकी हूँ, बट अभी तक आया नहीं था वो इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि उसने वो लैम्प शेड लगाना था वहाँ पे, तो जो काम मैं जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, बट वो काम तो इलेक्ट्रिशियन भैया कर सकते हैं, तो वो अभी तक आए नहीं थे। और मेरा पूरा जो मेरी वीडियो थी ना सारी बन गई, और उसके बाद फिर वो शाम को आए, तो थोड़ी बहुत मैंने क्लिपिंग फिर मैंने थोड़ी लास्ट में डाली हुई है, तो वो आपको देखने को मिलेगी लास्ट में। तो वो थोड़ा सा मैंने लुक मैंने जो था वो लैम्प लगने के बाद कैसा लगता है वो मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो वो मैंने वीडियो थोड़ी सी डाली हुई है। Thank you.
देखिए तो ये भैया आए थे, इलेक्ट्रिशियन भैया, बाद में जब मेरी सारी वीडियो बन चुकी थी तो ये बहुत शाम को आए जब मैं सारा कैप्चर कर चुकी थी, सारी वीडियो कंप्लीट कर चुकी थी। बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग ले ली लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक्सट्रीम मेकओवर, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या चीज आपको, कौन सी DIY अच्छा लगा, सबसे ज्यादा पसंद आया, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। इसी टाइप की मेकओवर की वीडियो के साथ जल्द मिलूंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।